गायज़ असलम कैसे हैं आप सब्लॉग आई होप आप सब ब्लॉग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे आई एम हेयर शेयरिंग विद यू गायज़ माई शहरी टू अफतारी रूटीन बिकॉज मुझे काफ़ी सारे ऐसे कमेंट आए थे कि आप अपनी सहरी यान अफतारी की रूटन शेयर करने में काफ़ी बिजी थी और मैं अपने पिछले वीडियोज़ वगैरह शेयर कर रही थी और गायज़ आपका रामजान कैसा जा रहा है मैं आपके साथ ये ब्रेकफास्ट या ब्रेकफास्ट में भी खा सकते हैं मैं आज कल शहरी में ये बना लेती हूँ बिकॉज़ इज़ क्वाइट ईजी एंड स्वीटली टेस्टी आप लोग भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिए तो इनशाला आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा ये मेरा मोस्ट फेवरेट ब्रेकफास्ट है और ये क्या है कि आप ऑमलेट बना लो जैसे नॉर्मली आप ऑमलेट बनाते हो ना नियन टमेटो सब कुछ डाल के आप वो नॉर्मल ऑमलेट बना लो और मेरा ऑमलेट यहाँ पे थोड़ा सा टूट गया था उसको जब मैंने फ्लिप किया तो थोड़ा सा टूट गया था और मैं अक्सर मेरा टूट जाता है ना ऑमलेट मेरा बहुत दिल करता है कि ऐसे गोल सा उतरे लेकिन ऐसे हो जाता है और उसके साथ जब आपका ऑमलेट बन जाए तो आप बेग बीन्स ले लें और बेग बीन्स को आप माइक्रोवेव में गर्म कर लें और अच्छी तरह उनको गर्म कर लें साथ आप टू फोर सिक्स जितने मर्जी पीस ब्रेड के टोस्ट कर लें और ये आप देख सकते हैं कि मैं टोस्टर में ब्रेड कर रही हूँ और अभी मैं वो वॉइसर कर रही हूँ साथ मेरी बेटी मेरे साथ लेटी हुई है तो मैंने सोचा ये वाली वीडियो मैं आज ही अपलोड कर दूँ वरना फिर कल पुटू लेट हो जाएगा और उसके साथ मैं इंग्लिश टी बना रही थी तो आज कल इंग्लिश टी पी लेती हूँ बिकॉज हम जब से पाकिस्तान से आ... जब भी मैं पाकिस्तान जाती हूँ पाकिस्तान जाके वापस आती हूँ तो मेरा मुझे टी का वो गला टेस्ट नहीं आता जो देसी चाय होती है तो फिर इसलिए मैं इंग्लिश टी बना लेती हूँ आजकल और फिर उसके साथ आपने क्या करना है कि जब आपके बेक बीन्स जो आपके जो आप अच्छी तरह से गर्म हो जाएंगे माइक्रोवेव में तो आपने थोड़ा सा जो ब्लैक पेपर होता है वो आपने उसके ऊपर स्प्रिंकल कर देना है इस तरह से तो आ, मैं कर देती हूँ आपकी मर्जी है और इससे ज़रा करारा सा टेस्ट आ जाता है बीन्स में भी क्योंकि बीन्स थोड़े मीठे से होते हैं और साथ आप देख सकते हैं कि मैंने ब्रेड टोस्ट कर ली थी और उसके ऊपर मैं किस तरह से ऑमलेट लगा रही हूँ ये मैं यहाँ पर दिखा रही थी कि ये जली हुई नहीं है ये ज़्यादा क्रिस्पी हो गई थी और मुझे ज़्यादा क्रिस्पी ब्रेड जो है ना वो अच्छी लगती है जब आप टोस्टर में डालते हो तो हस्बैंड के लिए मैं थोड़ी लेस क्रिस्पी बनाती हूँ और अपने लिए मैं इस तरह से लाइक डार्क ब्राउनिश कलर जब आता है तो उस टाइम मैं उसको निकालती हूँ और ये आप देख सकते हैं कि पहले मैंने ऑमलेट उसके ऊपर लगाया और उसके बाद मैंने ऊपर बेक पीन जैसे डाल दिए और उसके बाद आप दूसरे जो ब्रेड का पीस तो उसके साथ उसको इस तरह से कवर कर लें और ये था हमारा शहरी सो ये मैंने वही बनाए थे टोस्ट विद बेग बीन्स एंड ऑमलेट और साथ इंग्लिश टी और साथ मैंने योगर्ट रख लिए थे ये वाले योगर्ट मीठे होते हैं फ्रूट वाले आप सिंपल योगर्ट ले लो और योगर्ट से क्या है कि आपको प्यास नहीं लगेगी तो पानी की बोतल वैसे भी मैं पीती हूँ पानी में पीती रहती हूँ सुबह रोज़े शहरी टाइम तक और oh गाइस फिर आप देख सकते हैं कि मैं लेटर uh, ऑन फिर नमाज़ पढ़ के हम सो गए थे और उसके बाद फिर हम उठे बच्चे उठे थे स्कूल के लिए बच्चों के स्कूल खुल गए थे आज फ़र्स्ट डे था बच्चों का स्कूल में यस्टरडे येस्टडे वाज टीचर्स ट्रेनिंग डे एंड टुडे इनका फ़र्स्ट डे था और शुक्र अलहमदल बच्चों के स्कूल खुले मेरे बच्चे तो काफ़ी टाइम के बाद स्कूल जा रहे थे बिकॉज हम पाकिस्तान भी गए हुए थे हॉलीडेज़ पर और वोवली भी हॉलीडेज उसके बाद जब हम वापस आए तो वो विली बी टू वीक्स की हॉलीडेज़ तो इनका स्कूल का तो फिर बहुत ज़्यादा ऑफ इनका रहा तो इसके बाद ये गए थे और मौसम आपको नज़र आ रहा है कितना प्यारा लग रहा था है तो धूप आपको लग रही है लेकिन सर्दी बहुत ज़्यादा है गा दिन टाइम बहुत ज़्यादा सर्दी होती है लाइक इन द मॉर्निंग बहुत ज़्यादा सर्दी होती है उसके बाद मैं अपनी बेटी को ड्रॉप करने गई थी जो बेटी की नर्सरी है वो अलग है और जो बेटों के स्कूल है वो हमारा जैस वॉकिंग डिस्टेंस पर है और बेटी को जो है वो ड्राइव करके छोड़ना पड़ता है इनकी लाइक टेन फिफ्टीन में इनकी ड्राइव पर इनकी नर्सरी है और उसके बाद मैं ज़रा टाउन में चली गई थी और मैं आ गई थी सेवे स्टोर पर इधर से आपको कम तमाम चीज़ें मिल जाती हैं जो भी लाइक डेली यूज़ की चीज़ें होती हैं मुझे कुछ टॉयलेटरी स्टफ़ चाहिए था लाइक हैंड वॉश शैम्पूज एंड टूथपेस्ट एंड स्टफ़ तो वो काफ़ी कुछ फिनिश था तो वो मैं लेने आ गई थी और यहाँ से मैं देख रही थी कि कौन सा वाला हैंड वॉश लूँ और मैंने लिया था टी ट्री का हैंड वॉश वो काफ़ी अच्छा होता है का है आपको बीच में मेरी बेटी की भी आवाज़ आ रही होगी अभी मैं इनको साथ साथ सुला रही थी और मैंने सोचा कि मैं वॉइस ओवर कर लूँ जो कि बहुत मुश्किल होगा मुझे पता है क्योंकि ये बीच में जान के बोलती रहती है इनको होता है कि मामा जो है वो कुछ कर रही है तो मैं भी बीच में बोलूँ और ये आप देख सकते हैं कि सेवर स्टोर जो है काफ़ी अच्छा स्टोर है इनके पास तमाम चीज़ें होती हैं जो आपको मिल जाती हैं जैसे और इनकी प्राइसेस भी जो है वो अच्छी होती है बाकी स्टोर से इनकी प्राइसेस भी अच्छी है और समाइम तो लाइक बाय वन गेट वन फ्री लाइक ऐसे ऑफर पे भी कुछ ना कुछ लगा होता है और इनके पास तमाम वाइटाम्स uh, भी होते हैं जो आप बच्चों को दे सकते हो खुद ले सकते हो और इनके पास बहुत कुछ होता है और मेडिसिन लाइक like बच्चों की काल पिल्स पैरासीटामोल्स एंड एवरीथिंग एंड देन दे हैवल्ड टाइप्स ऑफ टूथ पेस्ट एंड हैव बेबीज फैम्पल्स वाइप्स एवरीथिंग और यहाँ से मैं देख रही थी टूथपेस्ट एंड देन बस यही कुछ लेना था मुझे और हेच एन एम में भी मैं गई थी वहाँ से मैंने लिए थे अपनी बेटी के शूज़ और फिर वहाँ वीडियो में नहीं बना सकी बस जल्दी से मुझे इनके शूज़ लेने थे और उसके बाद मैं आ गई थी लिटिल में यहाँ से कुछ मुझे स्टफ चाहिए था लाइक ब्रेड मिल्क एंड यही जो रोज़ का चाहिए होता है तो उसके बाद मैं यहाँ आ गई थी तो गाय रोज़ा रख के ना बिल्कुल भी इतनी ज़्यादा हिम्मत नहीं होती बहुत ज़्यादा घूमने फिरने की तो आ, बस बच्चों को स्कूल ड्रॉप करने के बाद मेरे पास टाइम होता है लाइक फिर मैं आ जाती हूँ समाइम लाइक यू नो टाउन वगैरह में आ जाती हूँ मैं तो उसके बाद बस ये शॉपिंग वगैरह की थी और फिर मैं आ गई थी घर और यहाँ पर मैं तैयारी कर रही थी इफ्तारी की बच्चे स्कूल से आ गए थे उनको खाना वगैरह दे दिया था उसके बाद फिर मैं सबसे पहले यहाँ पर मिल्क शेक बनाने लगी थी और उसके लिए मैंने लिया था ये इस प्लास्टिक के कंटेनर में आ, मैंगो पल्प था जो कि मैंने ऑलरेडी टिन से निकाल लिया था और मैंने ऑलरेडी कल परसों भी बनाया था और फिर आज फिर वही मैं यूज़ कर रही थी जो रहता था वो मैंने रख दिया था प्लास्टिक के कंटेनर में और मैंने टू स्ट्रॉबेरीज ली वन बनाना लिया वन एप्पल लिया और मैंगो पल्प लिया और फिर उसमें ये मिल्क डाल दिया और फिर ये ब्लेंड किया अच्छे से और आप देख सकते हैं कि बहुत ही नाइस थिक एंड क्रीमी मिल्क शेक बना था और ये वाला तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और मेरे बच्चों को भी बहुत ज़्यादा पसंद है सो इफ्तारी मेरी इसके बिना इनकम्प्लीट होती है मेरा ये मिल्क शेक ज़रूर होना चाहिए इफ्तारी में और ये वैसे भी मैं बनाती हूँ रमज़ान ना भी हो तो भी मैं बनाती रहती हूँ और उसके बाद ये जो कैन मेरे पास पड़ा हुआ था एम उसके अंदर मैंने डाल के उसको फ्रिज में रख दिया और यहाँ पर मैं तैयारी कर रही थी फ्रूट चाट बनाने की और फ्रूट चाट बनाने के लिए गाइस आपके पास जितना ज़्यादा फ्रूट है ना घर में जो मर्ज़ी फ्रूट है आपके पास घर में जो भी अवेलेबल है वो सारा आप निकाल लो ना क्योंकि फ्रूट चाट में जितना भी फ्रूट होगा ना उससे फ्रूट चाट और ज़्यादा मज़े की बनेगी समाइम क्या होता है कि हमें कुछ ऐसे फ्रूट्स हैं जो हमें नहीं पसंद आते खाने में जैसे मुझे पेड़ मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती मैं पेड़ बिल्कुल भी नहीं खा सकती लेकिन जब फ्रूट चाट मैं बनाती हूँ उसमें मैं सारे फ्रूट्स डालती हूँ ना तो फिर बहुत मज़े से खाया जाता है और यहाँ पर साथ मैंने चाट मसाला रखा हुआ था जो कि उल्टा पैकेट खुला हुआ था और ये साथ जूस है मैंने आपको बताया था लास्ट अपनी किसी वीडियो में भी कि मैं फ्रूट चाट में थोड़ा सा जूस ज़रूर डालती होती हूँ फ्लेवर के लिए वो चाहे रूबी रूबिक मैंगो हो जाए या गवा हो जाए ट्रॉपिकल डी ट्रॉपिकल का था तो उसके बाद देखिए मैंने सारा फ्रूट कट कर लिया और उसके बाद मैंने सारा फ्रूट कट कर लिया और छोटा छोटा ही काटती हूँ मैं फ्रूट और उसमें अनार भी डाला था अनार से बहुत मज़े का टेस्ट आता है फ्रूट चाट में और ये देखे मैं उसमें थोड़ा सा जूस ऐड कर रही हूँ और जूस ऐड करने के बाद अच्छे से मिक्स करने के बाद मैंने इसमें डाल दिया था चाट मसाला और मेरी मिल्क शेक भी बन गई थी मेरा फ्रूट चाट भी बन गया था और गाइस इफ्तारी में ये दो चीज़ें ज़रूर होनी चाहिए मेरी इफ्तारी में और बस मैंने थोड़ा सा ही बनाया था जो कि आज ही खाया गया था क्योंकि मैं एवरी डे बना लेती हूँ वरना अगर नेक्स्ट डे आप फ्रूट चाट रखी रखो तो वो फ्रिज में भी अगर आप रखो तो काली सी हो जाती है फिर अच्छा ही नहीं लगती खाने का दिल नहीं करता उसके बाद मैं बना रही थी आलू गोभी क्योंकि मुझे रोटी सालन कोई ना कोई ज़रूर होना चाहिए मेरी इफ्तारी में और मैं बहुत मैं फ़्राइड चीज़ें नहीं बना रही हूँ क्योंकि फ़्राइड चीज़ों से बहुत ज़्यादा मेरा दिल अग गया है तो मैं बिल्कुल भी नहीं बना रही हूँ और वैसे भी फ्राइड स्टफ अच्छा भी नहीं है मैं आप लोगों से भी बोलूँगी कि आप अवॉइड करें बहुत ज़्यादा नहीं बनाएं फ़्राइड स्टफ एक तो फ्राइड स्टफ बहुत ज़्यादा वेट गेन भी करता है दूसरा अच्छा भी नहीं है इतना और डेली खाया भी नहीं जाता मेरे पास फ्रोज़न स्टफ पड़ा हुआ था मतलब समोसास स्प्रिंग रोल्स एंड स्टफ। तो वो शुरू में तो मैंने तीन चार रोज़ों में तो मैंने आ, किया था फ़्राइड उसके बाद फिर बिल्कुल भी मेरा दिल नहीं किया तो फ़्रूट चाट और मिल्क शेक ये चीज़ें यह है कि हेल्दी भी हैं और ये खाई भी जाती हैं और यहाँ पर मेरी गोभी तैयार हो हुई थी और साथ साथ मैं अपना रूह अफसा का शरबत बना रही थी और रूह अफसा तो आई थिंक हर घर में ही अवेलेबल है और रफ्तारी के टाइम तो हर घर में ही बनता होगा क्योंकि इसके बिना भी रफ्तारी जो है वो इनकम्प्लीट होती है और जैसे वेदर भी थोड़ा ऐसे किया हुआ है कि अभी लाइक आफ्टर ट्वेल्व और वन ओ के बाद ना लाइक like, uh, दिन टाइम थोड़ी सी गर्मी हो जाती है यहाँ लंडन में भी लाइक like, थोड़ी गर्मी गर्मी लगती है धूप निकल आती है तो इसलिए ऐसे ड्रिंक्स वग़ैरह पीने का दिल करता है और रोज़े में तो वैसे भी दिल करता है प्यास बहुत ज़्यादा लगती है जैसे कि मुझे बहुत ज़्यादा प्यास लगती है और ये देखें कि पहले मैंने उसमें रूह अफसा डाला उसके बाद मैंने इसमें जो हाफ़ वन लेमन मैंने कट किया बट उसका हाफ़ मैंने इसमें स्क्वीज़ किया और लेमन से यही है कि बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है और उसके बाद ये आप देख सकते हैं कि मैं इसमें स्वीटनेस ऐड कर रही हूँ जो कि गोलियाँ होती हैं मैं वो यूज़ करती हूँ लाइक टी वग़ैरह में भी और मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि मैं शुगर जो है वो ज़्यादा अवॉइड करती हूँ शुगर आप लोग भी अवॉइड करें बहुत ज़्यादा शुगरी स्टाफ नहीं खाएं बहुत ज़्यादा शुगर खानों में नहीं डालें या ड्रिंक्स में और उसके बाद ये देखें कि मेरी सिंपल सी इफ्तारी तैयार है माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह से ये आप देख सकते हैं कि गोभी का कलर बहुत अच्छा आया था बहुत मज़े की गोभी बनी थी और ये साथ मेलन कुछ कट किया हुआ था क्यूब्स में और साथ ये मिल्क शेक एंड रू हफ्सा एंड फ्रूट चार एंड थोड़ा सा योगर्ट रखती हूँ मैं साथ में और गाइस अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक वीडियो को लाइक कर दें चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मैंने जल्दी जल्दी से वॉइस ओवर किया है और क्योंकि मुझे आज ही वीडियो अपलोड करनी थी अल्लाह हाफिज़